गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोनिका, आई एम योर हिंदी टीचर। हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नेम है कपड़े की कहानी। कपड़े की कहानी चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर रीडर बुक, अनिका बुक से। ठीक है, हाँ जी, कपड़े की कहानी। जीवन की 3 प्रमुख आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान में से एक है कपड़ा। हाँ जी, इसे अनेक नामों से जाना जाता है, वस्त्र, वसन, पट एवं ची इत्यादि। हाँ जी, इसके अनेक रूप होते हैं, सूती, रेशमी, ऊनी, नायलॉन। कपड़ों के हर रूप की अपनी अलग कहानी है। जो कपड़ों का जो हर रूप है उसकी अलग अलग कहानी है। सूती कपड़ों की कहानी कपास के खेत से शुरू होती है। किसान बारिश समाप्त होने पर कपास के बीज बोता है। जब बारिश जो होती है वो खत्म हो जाती है, जब बारिश की ऋतु जो खत्म हो जाती है, तब किसान क्या करता है, बीज बोता है। इन बीजों को बिनोले कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनोले। यह काली चिकनी मिट्टी में बोए जाते हैं। ये जो बीज होते हैं वो कहाँ पे बोए जाती हैं? काली चिकनी मिट्टी में। हाँ जी, कम टू द पेज नंबर 18। हाँ जी, इस फसल तैयार होती है तब पीले रंग के फूलों से फसल खिल जाती है। जब इसकी जो फसल है वो तैयार होती है तो जो फसल होती है वो किससे खिल जाती है? पीले रंग के फूलों से। हाँ जी, खिल जाती है और फिर भूरे शेल डोडियां निकलने लग जाते हैं। जब वो भूरे कलर की शेल और जो डोडियां होती है ना वो निकलने लग जाती है। जब ये शेल टूटती है तो उनमें से रुई निकलती है। जो शेल जो होती है वो टूटती है तो उनमें से क्या निकलती है? रुई। ठीक है, ये डोडियां इकट्ठी करने के बाद उनमें से बीज अलग करके रुई साफ की जाती है। इनकी बीजों को अलग कर दिया जाता है और रुई साफ कर ली जाती है। ये बीज पशुओं को खिलाए जाते हैं। ये बीज किसको खिलाए जाते हैं? पशुओं को। रुई से धागा बनाया जाता है और धागा से कपड़े। यही कपड़ा सूती कपड़ा कहलाता है। सूती कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं। कपड़े सूत को पहले सूत को बुना जाता है, परंतु आजकल सूती कपड़ा मिलों में मिलता है। किसमें मिलता है? मिलों में। करघे पर जो सूत बनता है उसे खादी कहते हैं। जो करघा यानी कि जो पुराने जमाने में जो सूत था वो तैयार किया जाता था करघे पर, उसको हम क्या कहते हैं? खादी कहते हैं। सूती कपड़ों के कारखानों महाराष्ट्र, सूती कपड़े के जो कारखाने हैं वो महाराष्ट्र अहमदाबाद व सूरत में है, क्योंकि वहां हवा में नमी होती है। वहां की जो हवा होती है उसमें क्या होती है? नमी होती है, जिसमें सूत जल्दी नहीं टूटता। जिससे जो सूत होता है वो जल्दी नहीं टूटता, इसलिए यहाँ सूती कारखाने ज्यादा है। बाद में इस सूत को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। जो बाद में जो ये सूत होती है उसको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। लोग यही कपड़ा बाजार से खरीद कर कपड़े बनवाते हैं। लोग जो होते हैं ना वो फिर बाजार से खरीद कर इसी का ही कपड़ा बनवाते हैं। इसी प्रकार रेशमी वस्त्र भी तैयार किए जाते हैं, परंतु इसकी विधि क्या होती है? रेशमी वस्त्र तैयार करने की जो विधि होती है वो थोड़ी अलग होती है। रेशम के कीड़ों से रेशम का धागा मिलता है और ये कीड़े शहतूत की पत्तियां खाकर धागा बनाते हैं। जो रेशम के जो कीड़े होते हैं ना ये शहतूत की पत्तियों को खाकर धागा बनाते हैं। ये कीड़े अपने चारों ओर कोकुन बना लेते हैं और कोकुन को पानी में उबाल कर कीड़ों से अलग कर दिया जाता है। जो ये कीड़े होते हैं वो क्या बना लेते हैं? कोकुन बना लेते हैं। और जो कोकुन से जो कोकुन होता है ना इसको उबाल कर कीड़ा अलग कर लिया जाता है और कोकुन अलग कर लिया जाता है। इसके बाद धागा बनाया जाता है। यह धागा रेशम का होता है। रेशम से रेशमी वस्त्र और साड़ियां बनती हैं। रेशम से क्या बनती हैं? रेशमी वस्त्र और साड़ियां बनती हैं। रेशमी वस्त्र हम सर्दी में पहनते हैं। इसी प्रकार ऊनी कपड़े बनाने के लिए भेड़ों के बालों का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है। ऊनी कपड़े बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भेड़ों के बालों का। इसलिए भेड़ों का जो भेड़ होती है इनको पाला जाता है। भेड़ों को क्या किया जाता है? पाला जाता है। और उनके बाल काट कर उनमें रंगाई का काम किया जाता है। जो भेड़ों के जो बाल होते हैं ना उनको काट कर किसका काम किया जाता है? रंगाई का। हाँ जी, फिर उन धागों से ऊनी वस्त्र बनाते हैं। ऊनी कपड़े भी सर्दी में पहने जाते हैं। जो ऊनी कपड़े होते हैं कब पहने जाते हैं? सर्दी, जब ठंड की ऋतु आती है। आजकल प्राकृतिक धागे महंगे होने के कारण नायलॉन के धागों की खोज की जा रही है। जो प्राकृतिक जो धागे हैं वो काफी महंगे हैं, इसलिए नायलॉन के धागों का
जो नायलोन के जो धागे होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनको केमिकल से बनाया जाता है। ठीक है, 1884 ईस्वी में रेयॉन की खोज के बाद में नायलोन के धागे की खोज की गई थी। 1884 के बाद में किसकी खोज करी गई थी? रेयॉन की खोज के बाद में नायलोन के धागे की खोज की गई थी। यह भी मशीन द्वारा निर्मित किया जाता है। इससे बने कपड़े अन्य कपड़ों से कुछ सस्ते होते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपको ये चैप्टर रीड करना है, ओके, इसकी रीडिंग प्रैक्टिस करनी है और इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर फाइंड करके लाने हैं। ओके बेटा, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।